हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फोर्थ व्लॉग। और ये व्लॉग शायद आज बहुत स्पेशल होने वाला है। एक बार आज का मौसम देखो। एनी विच वे, ये स्पेशल, दिस इज स्पेशल बिकॉज वी आर कवरिंग टुडे ट्री हाउस जीबी में, जो लोग स्पेशली जीबी आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिक स्टे जो आपका ट्री हाउस रहता है। और ये जो पूरा ट्री हाउस, आपको हम ए टू जेड चीज़ें कवर करेंगे इसमें। हॉस्पिटैलिटी, यू नो, आपके लिए फूड का अरेंजमेंट और एक कहाँ पे लोकेटेड है, हर चीज़ आपको हम बताएंगे अभी ए टू जेड विद ऑब्वियसली द प्राइसेस। तो आप बने रहो इसमें एंड तक। और अभी जो आप ये रोड देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये तांदी विलेज में बहुत सारे ट्री हाउस हैं। तो ये जो तांदी विलेज है आपका, ये जीबी से अराउंड 12-15 किलोमीटर दूर है, बट ये 30-40 मिनट्स की ड्राइव रहती है और ये बहुत सुंदर रहती है। ये थोड़ा सा स्टीप रोड है और ज़्यादा, तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना कि अगर आपको कैब करनी है इजीली, आपको जीबी से कैब मिल जाएगी। 1200 अप्रॉक्सीमेटली होगा रेट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सीज़न ऑल्सो, सो आप वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो अब 30-40 मिनट्स की ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी थी हमारी और रोड्स काफ़ी छोटी थी, तो जितना मैं कैप्चर कर पाया मैंने दिखाया। तो अब हम डायरेक्ट आपको ट्री हाउस में मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक होता है नीचे, फिर उसके बाद देखते हैं। गाइज, ये थोड़ा सा ट्रैक था यहाँ पे 200 मीटर का, और ये देखो ट्री हाउस, इट इज़ कॉल्ड एज जॉनी ट्री हाउस। तो जॉनी का है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज, ये है ट्री हाउस, बहुत प्रिटी है, बेस्ट है। और ये मेरा सेकंड टाइम है इधर आने का, और सी द व्यू गाइस, एक बार व्यू देखो, इससे अमेजिंग कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। एंड देन ऑब्वियसली हियर इज अ ट्री, एंड ये है ऊपर का। तो बहुत प्रिटी है, बहुत सिंपल, बहुत सुंदर। और ऊपर का ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे बालकनी है और ये ट्री है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। सी, देख पा रहे होगे अभी आप कि कैसा लग रहा है। तो ये रूम ट्यूर था यहाँ पे, अभी जिन्होंने बनाया है वो जॉनी का है, जॉनी नाम है, एंड उन्हीं के नाम पे ट्री हाउस है। तो गाइज, ऐसा कुछ वॉशरूम है हमारा, वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है और सिंपल, और एवरीथिंग इज देयर, सोप है, सो यू नो यू हैव योर वर्थ इट लाइफ है। सी, स्माइल, ड्रायर, सो एवरीथिंग इज देयर। ये है नीचे से ऐसे ट्री हाउस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देयर इज अ सपोर्ट पिलर है। तो ये व्यू, और ये किचन है छोटा सा जिसमें अभी दीदी काम कर रही हैं, और ऐसे ये किचन में प्रॉपर जो भी आप सामान चाहोगे सब कुछ हो जाता है। और ऐसे कुछ अपना सामान अगर रखना हो बाय चांस किसी ने, तो ये हम जैसे सेकंड टाइम आए थे तो यहाँ पे हम गिफ्ट्स भी लेके आए थे कुछ, तो ये एक जॉनी भाई के लिए और एक सिस्टर के लिए, बट अब पता लगा कि यहाँ पे तीन सिस्टर्स हैं उनकी। तो ठीक है, अनपैक करेंगे अब। ये जॉनी भाई के लिए है और ये उनके लिए है। गरम है ना? अच्छा लगा आपको ये जॉनी का? ये वॉलेट, तो इसमें जॉनी अब पैसे कमाएगा ट्री हाउस से। ओके, तो भाई जैसे एक और हमारा ट्री हाउस, क्योंकि हम छह लोग थे, तो यहाँ से इधर से रास्ता कटता है और यहाँ पे मतलब 100 मीटर का वॉक था पीछे से ही, तो वहाँ पे एक ट्री हाउस और एक कॉटेज है, मैं उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा इधर के बाद, इंजॉय करके पूरा हम आपको।
कल आपको सुबह हम वहाँ लेके जाएंगे और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। खाना रेडी हो चुका है। चिकन, ये चिकन है और ये पनीर बनाया है, तो चिकन देखिए एक बार, सो अमेजिंग। इसकी स्मेल बहुत टेस्टी है और ये पनीर, कढ़ाई पनीर। और यहाँ पे हमने दाल फ्राई बनाई है, ये दाल फ्राई। तो ये दोनों है। तो गाइज यहाँ पे हम उठे हैं एंड 8:30 हो रहा है और ये ऐसे कोई बालकनी है और सी द व्यू। अमेजिंग। ब्रांड एंड प्रेजेंटेशन, सी द प्रेजेंटेशन। कम तो गाइस, ये दूसरा कॉटेज है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, इसका नंबर। और ये कुछ इस तरीके से है, तो ये भी काफी प्रिटी है। इसका जो ऊपर वाला व्यू है, दैट इज द बेस्ट। सी, ये बहुत सुंदर है यहाँ पे। और इसका व्यू, ओह माय गॉड, सी यार। और बस 10-15 मिनट ही हुए थे हमें यहाँ पे आए हुए आपको दिखाते हुए। और एक बार यहाँ पे पूरा मौसम चेंज हो चुका था, पूरे बादल आ चुके थे। वो हमारा ट्री हाउस है, वो वाला। और इन्हीं के कॉटेज में भी एक और ट्री हाउस है, ये वाला। तो वो वाला ट्री हाउस हमारा, दैट वन, दैट इज जॉनी, जहाँ पे हमने पूरा व्लॉग करा है सब कुछ। तो ये ऐसे कुछ इनकी बालकनी है जो कि बहुत ही प्रिटी है। सी, तो यहाँ से हमें पता चला था कि एक तांदी कैफे है और ये आपका 200-300 मीटर्स वॉक है ऊपर। किसी से भी पूछोगे आप बता देंगे, एक बार व्यू देखो, एक बार ये डॉग्स ऐसे खेल रहे हैं, यू नो, ऐसा पूरा रास्ता है और ये रास्ते से आओ, यू नो, एप्पल ऑर्चर्ड गार्डन टाइप है, यू नो। तो बहुत ही अमेजिंग लगता है यहाँ पे इधर वॉक करना। और एक बार मौसम तो आपको मैंने दिखाया है कि पूरा ऐसे था, तो बहुत ही अमेजिंग है। ये कैफ़े काफ़ी अच्छा है, तांदी कैफ़े करके है। किसी भी ट्री हाउस से वाले से या फिर कहीं भी कोई भी तांदी लोकल बंदे से भी पूछोगे तो आराम से वो बता देगा कि ये कहाँ आना है और किस रास्ते से जाना है। तो गाइस, जिस चीज़ का अब आपको वेट था वो रिवील करते हैं कि क्या प्राइस है इस चीज़ का और कैसे हम यहाँ पे आ सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, किसको कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारी डिटेल्स मैं अब बताने वाला हूँ आपको, तो एंड तक देखना। तो आपको जो जॉनी ट्री हाउस हमने जो दिखाया सबसे पहले, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4,000-5,000 पड़ जाएगा। अगर आप, आई मीन, यू कैन टेक माई नेम अमन अरोड़ा, कि अमन अरोड़ा ने आपको नंबर दिया है जॉनी का, तो आप डायरेक्टली बात करके वहाँ पर डायरेक्टली आप थोड़ा सा और चीपर रेट करवा सकते हो, विद ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये चार लोगों का 4,000-5,000, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन ऑफ कोर्स। और जो दूसरा कॉटेज आपको दिखाया था हमने, जो कॉटेज था वो थोड़ा सा चीपर पड़ेगा, ऑफ कोर्स 1,000 rupees चीपर होगा इससे, बिकॉज वो कॉटेज है। बट जो ट्री हाउस में रहने का फील है वो अलग ही है। बट मैं दोनों के चीज़ें डाल देता हूँ, पूरे डिटेल्स वगैरह, जिससे आप बात करनी आप कर सकते हो। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तांदी विलेज करके डालना है, तो तांदी विलेज आपको मिल जाएगा। तो गाइस, ये रास्ता कटता है यहाँ पे अगर देखो तो, ये हम तांदी से वापस आए हैं और ये कुछ जीबी का रास्ता है। अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहा है वहां पे बालू टेम्पल और राइट की तरफ है जीबी, जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डे का स्टे है जीबी में। सो गाइस, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए और चैनल को
सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ भी अगर डाउट है आपको, आई डेफिनेटली हेल्प यू. और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.